हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 कंपोनेंट्स के बारे में लर्न करेंगे। उनके फंक्शंस और उनके सिंबल के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है रजिस्टर। आप देख सकते हैं ये रजिस्टर है। रजिस्टर एक पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो किसी सर्किट में करंट को लिमिट करता है या रेगुलेट करता है। इसका यूनिट ओम होता है, इसको ओम से मेजर करते हैं। और इसका यूज किसी सर्किट में करंट के कंट्रोल को करना या वोल्टेज को डिवाइड करना, सर्किट को प्रोटेक्ट करना या किसी कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्किट में एलईडी की सीरीज में ये रजिस्टर लगाया गया। ये क्या कर रहा है, इस एलईडी को प्रोटेक्ट कर रहा है जिससे कि ये करंट को कंट्रोल करेगा, जिससे कि एलईडी इसकी रेटेड करंट से ज़्यादा इसका करंट ना जाए, अदरवाइज ये एलईडी डैमेज हो सकता है। और इसका यूज टाइमिंग सर्किट में भी होता है। नेक्स्ट हमारा डिवाइस है वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर यह भी एक तरह का रजिस्टेंस ही और रजिस्टर ही होता है। ये क्या है कि ये इसको हम एक सर्टेन रेंज में वेरी कर सकते हैं, इसकी रजिस्टेंस की वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर, ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का टाइप है और ये भी एक प्रीसेट है। इसका यहाँ पर हम स्क्रू ड्राइवर से इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। और ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल है, ये जो हमारा फिक्स्ड रजिस्टर होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है, और ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसका सिंबल, इस पर एक एरो लग जाए तो ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर बन जाता है। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर में। यहाँ इसको हम रोटेट करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। और इसका एक सर्किट में भी हमने यहाँ पर देखिए, ये पावर सोर्स है और यहाँ पर ये इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा। और इसका यूज जो है वॉल्यूम में, हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल कर एडजस्ट कर सकते हैं, किसी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, कैलिब्रेशन, इन सभी सर्किट्स में इसका यूज किया जाता है। फैन रेगुलेटर देखा है आपने, उसमें भी ये इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट डिवाइस है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और रिलीज करता है। इसमें दो प्लेट होती हैं, दो पैरेलल प्लेट होती हैं ऐसे, और इसमें अगर ये पोलराइज्ड है तो एक प्लेट पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल दिया गया है और ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल दिया गया है। यहाँ पर इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। जिसकी लेग लंबी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिसकी लेग छोटी होती है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में यहाँ पर एक ऐसे करके एक स्ट्रिप बनी होती है, उस पर भी निगेटिव सिंबल बना होता है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ये पोलर कैपेसिटर है। और इसमें जो दो प्लेट से बनता है, तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट होता है, ऐसे दो प्लेट होती हैं और इसमें बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है, बीच में जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एक प्लेट पे कलेक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज एक प्लेट पे कलेक्ट होता है। और इसका यूज जो है एनर्जी को स्टोर करने में, फिल्टरिंग सिग्नल को फिल्टर करने में, स्टेबलाइजिंग वोल्टेज या टाइमिंग सर्किट में, या किसी सर्किट में कपलिंग और डीकपलिंग में भी इसका यूज होता है। इसको कपलिंग कैपेसिटर के तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पावर सप्लाई है और यहाँ पर ये कैपेसिटर को फिल्टर की तरह यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हार्मोनिक्स आ रहा है, तो ये क्या करेगा, किसी भी अनवांटेड सिग्नल को ये रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये कैपेसिटर फिल्टर, ये हार्मोनिक को या रिपल है इसको रिमूव कर देता है। इसका काम यहाँ पर फिल्टर की तरह कर रहा है, तो इसका हम यूज़ फिल्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, या टाइमिंग सर्किट जो हमारा आरसी सर्किट होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ये वाला सिरेमिक कैपेसिटर है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप इसको सर्किट में कैसे भी कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। इंडक्टर, तो इंडक्टर क्या है, ये भी एक पैसिव कंपोनेंट होता है। ये क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो होने पर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। इसको चोक भी बोलते हैं या कॉइल, या इसको हम रिएक्टर भी बोल देते हैं। और इस सर ये देखिए इसका सिंबल है, इंडक्टर को इस तरह से लगाते, ऐसे हम ऐसे बनाते हैं, ये इंडक्टर का सिंबल है। और एक सर्किट में भी इंडक्टर को लगा के दिखाया गया है। और इसका यूज जो है एनर्जी को स्टोर करने में, पावर सप्लाई में, किसी सर्किट, इसको फिल्टरिंग में भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, मोटर में, तो इंडक्टर, ये ट्रांसफार्मर मोटर भी इंडक्टर का ही एग्जाम्पल है। और चोक में यूज करते हैं, ऑसिलेटर
ऑसिलेटर जो होते हैं उनमें यूज होता है, इंडक्टिव सेंसर, रिले, इसके अलावा बहुत सारा इसका इंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट कंपोनेंट है डायोड। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, और अगर इसमें डायरेक्शन चेंज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट को ब्लॉक करता है, और जनरली ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। तो जो आप देख सकते हैं ये डायोड का सिंबल है, इसमें यहाँ पर पी होता है, यहाँ पर एन होता है, इसको हम एनोड और कैथोड भी बोलते हैं। कैथोड को हम के से डिनोट करते हैं। ये फॉरवर्ड बायस तब होगा जब इसके पी को बैटरी के पॉजिटिव से, ये पी है और ये एन है, और बैटरी के नेगेटिव से इसके एन को कनेक्ट किया जाता है, तब ये कंडक्ट करेगा। और ये कंडक्ट कब करेगा, जब इसके अक्रॉस वोल्टेज 0.7 वोल्ट या कट इन वोल्टेज से ज़्यादा जाएगा तो ये एलईडी हमारा ऑन हो जाएगा, तो ये एज ए स्विच वर्क करेगा। तो डायोड का यूज जो है रेक्टिफिकेशन में यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन में यूज किया जाता है, स्विचिंग में यूज किया जाता है, सोलर पैनल में यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स सिलेक्शन में, एंड वेव फॉर्म क्लिपिंग, क्लिपर क्लैंपर आदि सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने पर लाइट एमिट करता है, और ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की एलईडी है, और ये एलईडी का सिंबल है, और यहाँ पर एक सर्किट में एलईडी को लगा के भी दिखाया गया। ये सप्लाई है और ये एलईडी है, और इसको इसकी रेटेड करंट से ज़्यादा करंट ना फ्लो हो तो इसको एक रजिस्टर लगा दिया। रजिस्टर क्या करेगा, इसके इसको कंट्रोल करेगा करंट को। तो एलईडी का जो यूज है वो हमारा लाइटिंग में, इंडिकेटर एंड सिग्नल, टीवी, स्मार्टफोन, रेलवे स्टेशन पे जितना भी हमारा सिग्नल का या डिस्प्ले बोर्ड है उन सभी में एलईडी का यूज होता है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर आप सभी ने देखा होगा। ट्रांजिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। जनरली इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल होता है बेस, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, और एक एमिटर होता है। यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर 2 टाइप का होता है, एक एनपीएन टाइप का होता है, एक हमारा पीएनपी टाइप का होता है। ये वाला ट्रांजिस्टर एनपीएन है, जिसमें एरो ये करंट के फ्लो, करंट के डायरेक्शन को बताता है, और जिसमें एरो लगा होता है, जिसमें एरो आउटसाइड की तरफ होता है, वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और यहाँ पर ये एमिटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है, और ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है, और जिसमें एरो अंदर की साइड होता है बेस की तरफ होता है वो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। BC547 ये बहुत ही एक कॉमन जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है, एनपीएन टाइप का इसका यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं, 2N2222 ये ट्रांजिस्टर है, या CL100 है, ये हमारे सारे ट्रांजिस्टर हैं। तो ट्रांजिस्टर का यूज जो है एज ए हम स्विच भी यूज कर सकते हैं, और एज ए एक एम्पलीफायर भी हम कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का यूज ऑसिलेटर सर्किट में, वोल्टेज रेगुलेटर में, मॉड्यूलेशन में, सेंसर में, एंड डिटेक्शन डिटेक्टर, इन सभी में इसका, कम्युनिकेशन में, मेडिकल में, हर जगह जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स होगी मैक्सिमम सर्किट में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। इस सर्किट में हमने यहाँ पर दिखाया गया है कि ये रिले लगा दिया इसके कलेक्टर पे, तो यहाँ पर ये एज ए स्विच, ये स्विच वर्क कर रहा है। इनपुट पे कुछ भी हमारा सेंसर या कोई भी वीक सिग्नल को ये यहाँ से, इसको हम हाई, कोई भी हाई पावर का डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये एज ए एम्पलीफायर, ये हमारा एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। यहाँ पर वीक सिग्नल है और उसकी इसको यहाँ पर एम्पलीफाई कर रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट डिवाइस है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। आपने सभी ने देखा होगा एक बहुत ही कॉमन आईसी होती है 7805, ये 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें एक इनपुट के लिए होता है, एक आउटपुट के लिए होता है, और एक ग्राउंड टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यूज जो है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। सपोज हमारे इनपुट पे यहाँ पर 9 वोल्ट है और आउटपुट पे हमें चाहिए 5 वोल्ट, तो हम 7805 IC लगा देंगे। इसमें भी ये पॉजिटिव के लिए 78 सीरीज की आईसी होती है, और अगर निगेटिव सप्लाई चाहिए तो 79 सीरीज की आईसी। जैसे 7805 है, 7812 है, या 9 है, या 9 है, 6 है, 12 है, ये अलग 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 इसमें कोड लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ऐसे 7905 है, तो ये -5 वोल्ट की सप्लाई हो गई। तो इस तरह से रेगुलेटर का यूज वोल्टेज के रेगुलेशन में, या जहाँ में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आईसी। आईसी क्या है, एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होता है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है,
जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आप सर्किट में देख सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये सारे ट्रांजिस्टर हैं, कुछ रजिस्टर हैं, बहुत सारे रजिस्टर भी हैं, कैपेसिटर भी हैं। आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनको एक चिप के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। और इसका यूज जो है कंप्यूटर में, कंप्यूटिंग में, कम्युनिकेशन में, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टेलीविज़न है, फ्रिज है, हमारा एसी है, आजकल जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पर आईसी का यूज किया जाता है, मेडिकल डिवाइसेस है, उन सभी में, ऑटोमेशन में। कुछ पॉपुलर आईसी हैं, जैसे हमारा आईसी है, जैसे 741 है, सभी स्टूडेंट को पता होगा, 555 ये टाइमर आईसी है। इसके अलावा हमारे पास गेट की, डिजिटल लॉजिक गेट की आईसी होती है, जैसे हमारा 7404 है, 7400 है, इस तरह से 7486 है, इस तरह से 32 है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये आईसी हमारी एनालॉग और डिजिटल टाइप की भी हो सकती होती हैं। और नेक्स्ट हमारा डिवाइसेस है, ये है रिले। रिले क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकली ये ऑपरेटेड स्विच होता है और इसका यूज जो है ऑटोमेटेड स्विचिंग में, कहीं भी ऑटोमेटिक कुछ करना है तो वहाँ पर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन में भी उसका यूज होता है, होम ऑटोमेशन में होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में होता है, बहुत सारे हमारे सर्किट हैं उन सभी में इसका यूज होता है। जैसे ये यहाँ पर कोई हमारा ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर कोई सिग्नल है और हम चाह रहे हैं कि किसी इस जब ये हाई हो तो हमारा रिले ऑन हो जाए, तो इसकी रिले की कॉइल पर ये सप्लाई चली जाएगी और इस रिले से हम कुछ भी, इसकी जो भी वोल्टेज और करंट रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम अपना लोड ऑपरेट कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि एक सेंसर से हमारा कोई मोटर या कोई फैन या हमारा जैसे क्लैप स्विच है, क्लैप स्विच से हम बल्ब को ऑन करना है तो यहाँ पर हमें रिले लगाना पड़ेगा और इसके इधर हमें क्लैप स्विच वाला सर्किट लगा देंगे। तो इस तरह से ये रिले वर्क करता है। हमने रिले के ऊपर या जितनी भी डिवाइसेस हैं इन सभी के ऊपर वीडियो बना दिया है, हम डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे देंगे और आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई और भी डिवाइसेस, 10 डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।